अस्सलाम वालेकुम गालिब अब्बास। आज हम पढ़ रहे हैं फोर्थ चैप्टर फर्स्ट ईयर का वर्क एंड एनर्जी। अच्छा, इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। टॉपिक पे ही बात करते हैं और टॉपिक को ही समझते हैं। वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, दो चीज़ें हैं। वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, जिस बंदे को समझ आ गई तो उसको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और यही बेसिक बॉटम लाइन है इस पूरे चैप्टर की, क्या कि वर्क और एनर्जी दो सेम क्वांटिटीज हैं। वर्क होगा तो एनर्जी लगेगी, एनर्जी है तो वर्क होगा। दुनिया का कोई भी सिस्टम है, दुनिया का कोई भी फिनोमेना है, दुनिया का कायनात का इनफैक्ट कोई भी सिस्टम है, ठीक है, इनफैक्ट पूरी कायनात, उसमें एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जब भी कभी वर्क होगा एनर्जी लगेगी, और जब भी एनर्जी कंज्यूम होगी तो आप समझ लें कि कहीं ना कहीं पे वर्क हो रहा है। आते हैं, मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई है, आप लोग इसको देखें और इसको समझते हैं कि ये क्या है। आपने देखा होगा वो एक मिनट ग्लास होता है, आवर ग्लास होता है, कि जी एक मिनट तक इसके अंदर जो भी सैंड है, जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे, एक मिनट में नीचे उतरेंगे, और एक मिनट के बाद अगर मैं इसको पलट दूं तो दोबारा सेम टाइम पे वो वापस आएंगे। फिलहाल टाइम पे बात नहीं कर रहे, मैं सपोज करता हूं ये एनर्जी थी और नीचे आते हुए ये कन्वर्ट हो रही है वर्क में। अच्छा, अब जितनी एनर्जी है वो सारे की सारी कन्वर्ट हो जाएगी वर्क में। फॉर एग्जांपल, आप सुबह घर से निकले, आपके पास बड़ी एनर्जी थी, एनर्जी बहुत थी, सुबह के टाइम पे वर्क नहीं है। शाम को जब आप घर पहुंचे, एनर्जी नहीं है, वर्क जरूर है। दुनिया का कोई भी फिनोमेना है, कहीं पे भी आप जाएंगे यही काम चल रहा है। एनर्जी और वर्क सेम चीजें जिनको आपने समझना है। और मजे की बात, जो कि आप लोग पहले टॉपिक्स पे पढ़ चुके हैं, कि जो एनर्जी के यूनिट्स हैं वही वर्क के यूनिट्स हैं, जाउल्स, एसआई यूनिट्स, या न्यूटन मीटर भी आप लोग कह सकते हैं। तो ये बेसिक फिनोमेना है, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो ये टॉपिक भी, आने वाले टॉपिक्स भी, और खाली आने वाले टॉपिक्स इस चैप्टर के नहीं, और पूरी फिजिक्स की जो बॉटम लाइन है वो ये है। टॉपिक पे वापस आते हैं कि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, कि ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन कैसे होगा, ठीक है जी। तो यहां पे दो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, के काम मैं कर रहा हूं लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड में कर रहा हूं। काम हम खुद कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं, और ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये अर्थ है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट को मुझे उठाना है, एक मैस को मुझे उठा के एक खास हाइट पे लेके जाना है, यहां तक लेके आना है। अब कह रहे जी कि इस हाइट तक ले जाते हुए मुझे क्या करना होगा, इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, यानी इस ऑब्जेक्ट पे वर्क करना होगा। अब हाइट क्या है? एच है। हाइट एच तक ले जाते हुए इस पे वर्क हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। और अगर ऐसा हो कि एक ऑब्जेक्ट यहां से उठ के आए और जमीन पे आ रहा है, ठीक है जी, तो हम क्या कहेंगे कि ये कौन काम कर रहा है,
ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ठीक है जी। या पहले वाले को हम कह सकते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, की ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, मैं जितना भी काम कर रहा हूँ वो क्या है, हाइट एच ट्रैवल हो रही है। मैं जितना भी काम कर रहा हूँ डब्ल्यू इक्वल होगा एम जी एच, और ये सारे की सारी क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट है तो हम कहते हैं कि ये जनाब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बेसिक थीम है इस पूरे टॉपिक का, और इसको समझते हैं। और फिर एक बड़े मज़े की बात है इसके आखिर में, वो भी आपने ज़रूर देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, जो कि बुक का है थ्योरेटिकल, उसको देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी, एक जिसे कह सकते हैं वर्चुअल, हम एक पाथ कंसिडर कर रहे हैं। हम कहते हैं, सपोज करते हैं कि एक ट्रायंगुलर पाथ है और ट्रायंगुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ये जो मैं इसकी लेबलिंग कर रहा हूं ये आपकी बुक के अकॉर्डिंगली है, और ये एंगल थीटा। अब यहां पे हम कर रहे क्या है, कर जी सपोज करें एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी देन सी, और ए से बी, बी से सी पहुंच के, यानी एक खास पॉइंट पे पहुंच के ये वापस आता है ए पे। आप देखिए एरो को आपने ख्याल करना है, एरो ये, इस पाथ को आपने फॉलो करना है, और वापस आके ये पॉइंट ए पे पहुंच रहा है। अब हम देखते हैं कि इस पूरे पाथ में वर्क डन कितना हुआ है, या अगर इसको मैं यूं कहूं कि हमारी एनर्जी कितनी लगी है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वर्क कितना होगा, जितनी एनर्जी लगेगी, ठीक है जी। जितनी भी एक सिस्टम के अंदर एनर्जी लग रही है हम कहेंगे कि उतना इसका वर्क है। तो मैं देखता हूं कि हमारी एनर्जी कितनी लग रही है इसको, यहां से ट्रैवल करके यहां पे, यहां से यहां पे, और वापस यहां पे। आप लोग यकीनन कहेंगे कि जी कुछ न कुछ तो एनर्जी लगेगी। अभी देखते हैं, यहां पे आए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, थोड़ा सा इसको समझें। फॉर एग्जाम्पल, मैस ये है, मैस इधर है, इसका वेट किधर होगा, वेट इज डाउनवर्ड, वेट इज डाउनवर्ड, वेट डाउनवर्ड है। हम मूव कहां पे कर रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ये, और इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90। डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम ए टू बी, वेट इज डाउनवर्ड, एंगल इज 90। तो मैं पहले पाथ में ए से बी तक का वर्क फाइंड कर रहा हूं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, डब्ल्यू डॉट, डॉट का मतलब क्या, अच्छा याद रखिएगा कि वर्क क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, एफ और डी, इन दोनों का हमने क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। और यहां पे फोर्स कौन सी है, उसकी, उसका वेट है, तो उसके वेट को ही हमने कहा कि ये फोर्स है और यही उसका वेट है, ठीक है जी। दोनों के दरमियान एंगल कितना है, W D cos of थीटा, और थीटा क्योंकि 90 है तो W D cos of 90, cos 90 क्या है, 0, ठीक है जी। अच्छा, अब क्योंकि ये फैक्टर 0 हो गया,
जीरो मल्टीप्लाई विद डी इज जीरो, जीरो मल्टीप्लाई विद वेट इज जीरो. सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज जीरो. मैं सादे लफ्जों में यह कह लूं कि मेरी कोई एनर्जी नहीं लगी ए से लेके बी तक, मुझे कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ी, मेरा कोई खर्चा ही नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ए से बी जाते हुए. आगे चलते हैं. बी से सी क्या हुआ? कहते हैं जी बी से सी जब आप जाएंगे तो केस थोड़ा सा डिफरेंट है. केस डिफरेंट है. क्या डिफरेंट है जी? कहते हैं अब आप ये देखें, आप जा रहे किधर हैं? अपवर्ड. आप किधर जा रहे हैं? अपवर्ड जा रहे हैं. वेट डाउनवर्ड है. आप वेट के ऑपोजिट जा रहे हैं या ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रहे हैं. डब्ल्यू किसकी इक्वल होता है? एम जी यानी वेट. तो ग्रेविटी डाउनवर्ड है, आप अपवर्ड जा रहे हैं. सो आपकी जो फोर्स है, ये जो आपका वेट है, वो क्या है? माइनस एम जी है या माइनस डब्ल्यू भी आप कह सकते. यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस था दैट वाज बी वन. That is B1. अब कंसिडर करते हैं B से C यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना हो रहा है. क्या होगा? W यानी वेट इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अब वेट कितना है? माइनस mg, माइनस mg. या आप इसको यूं भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वेट क्योंकि डाउनवर्ड है. वेट डाउनवर्ड है, ठीक है जी. वेट इज डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डी वन है. कॉज ऑफ थीटा, अगर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो, वेट डाउनवर्ड हो, एंगल क्या होगा? 180 डिग्री. तो मैं यहां पे अगर 180 पुट करता हूं, कॉज ऑफ 180 डब्ल्यू डी वन कॉज 180 किसकी इक्वल होगा? माइनस कॉज 180 किसकी इक्वल है? माइनस वन की इक्वल है, माइनस डब्ल्यू डी वन. अच्छा जी, वेट डब्ल्यू इज वेट नॉट द वर्क. इसको आप समझे, आपकी बुक में ये जो डब्ल्यू है वो कैपिटल लिखा हुआ है और ये जो है वो स्मॉल है, ठीक है. तो इस फैक्टर को या इस डिफरेंस को आपने जरूर जेन में रखना. तो जी एक बात मुझे समझ आ गई कि ए से लेके बी और बी से लेके सी तक जो टोटल वर्क हुआ है, जो टोटल काम हुआ है, या यूं कह लो कि टोटल खर्चा हुआ है, वो कितना है? W टोटल इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी. ए से बी तक और बी से सी तक कितना वर्क हुआ? तो आप लोग कह सकते हैं जनाब कि यहां पे कोई वर्क नहीं हुआ और यहां पे जो हुआ दैट इज माइनस टाइम डब्ल्यू डी वन, ठीक है जी. तो ये हुआ एक पाथ में, या इसको मैं यूं कह सकता हूं वर्क डन फ्रॉम ए टू सी इज माइनस डब्ल्यू डी वन. एंड व्हाट इज डब्ल्यू? वेट. मैं इसको साइड पे लिख लेता हूं और इसको रिमूव करके फिर आगे हम चल रहे हैं. ये हमारा जी इस पाथ का वर्क है. अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये देखते हैं कि हमारे पास वापस आते हुए इनिशियल पॉइंट में जहां से हमने स्टार्ट किया था वापस उस पॉइंट तक आते हुए कितना काम लगा, या हमें क्या एनर्जी वापस हुई. मतलब आप ये देखें कि हम एनर्जी के साथ खेल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क, ठीक है. और वापस आते हुए हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हमें कोई एनर्जी रिट्रीव हुई है, वापस मिली है. तो ये देखते हैं. नाउ वर्क डन फ्रॉम
C2A, इसको ज़रा बड़ा गौर से आपने देखना है और कंसिडर भी करना है और याद भी रखना है, क्योंकि यहीं से हमारे सारे कंसेप्ट्स बनेंगे और यहीं से हमें जो है वो चीज़ें भी मिलेंगे। क्या हम वापस आ रहे हैं फ्रॉम C2A? अब कहता जी कि अब ज़रा गौर करें कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये M मैस यहाँ पे वापस आ रहा है, यहां पे तो बड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग सा पॉइंट है। कह रहे जी कि अब इसके वेट की डायरेक्शन किधर है, फोर्स की डायरेक्शन किधर है? तो क्योंकि वेट और फोर्स एक ही क्वांटिटी है, वेट का मतलब है कि वेट के भी यूनिट न्यूटन है, फोर्स के भी न्यूटन है, तो फोर्स और वेट सेम ही चीज है। तो जहां पे भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए बेटा, तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना और आपने इसको रिजॉल्व कर लेना है। रिजॉल्व का मतलब ये है आसान कर लेना है, ठीक है जी, कि किसी चीज़ को आप रिजॉल्व कर लें। वो बचपन में आप लोग पढ़ते थे ना कि किसी चीज़ के अगर आपको तलफ़ुज़ नहीं पता, यानी बोलना किस तरह, आप उसको क्या करते थे, तोड़ करते थे, जोड़ तोड़। तो आपने इसको रिजॉल्व करना है। जब मुझे नहीं समझ आएगी मैं क्या करूँगा, इसको रिजॉल्व करूँगा। अच्छा, अब ये वेट है और या फोर्स है और मैं इसको रिजॉल्व करना चाह रहा हूं। जब भी मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, यानी इसके दो फैक्टर होंगे। एक फैक्टर वो होगा जो वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है, या एक हिस्सा वाई के अलोंग होगा, एक हिस्सा एक्स के अलोंग होगा। और ये टोटल वेट खुद है। अब आप मुझे ये बताएं कि ग्रेविटी 90 डिग्री पे एक्ट करती है या जीरो पे, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्ट करती है? तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ग्रेविटी यूं एक्ट करे, यानी वेट का ताल्लुक इस कंपोनेंट से नहीं, यानी इस कंपोनेंट से, इस कंपोनेंट के अंदर वेट क्या होगा, जीरो होगा, और सारे का सारा कंपोनेंट ये वाला होगा। अब देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही बनेगा। अब वेट जितना भी लग रहा है या जो भी वेट मिलेगा हमें, वो उसका ये वाला कंपोनेंट है, या यूं कह लो कि खाली ये वाला कंपोनेंट वेट की नुमाइंदगी कर रहा है, कि वेट का रिप्रेजेंटेटिव कंपोनेंट खाली ये वाला है। अब ये कौन सा था? अब देखो थीटा के एडजस्टेंट जो होता है, देखो आपने पढ़ा है एक चीज़, आपने यकीनन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जो पहला टॉपिक था, आपने पढ़ा है कि एक वेक्टर को रिजॉल्व करो तो थीटा एक्सिस या थीटा के साथ एडजस्टेंट वाली साइड कौन सी होती है, वी कॉस थीटा, और थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है, वी साइन थीटा। तो यहां पे थीटा के एडजेसेंट साइड कौन सी है, कौन सी बनेगी जी, वेट कॉज ऑफ थीटा, वेट टाइम्स कॉज ऑफ थीटा। तो ये चीज आपने इसको ज़हन में लाना चाहिए। ओके, आगे चलते इसको देखते हैं। नाउ यहां पे आप देखें कि वर्क डन फ्रॉम सी टू ए क्या बनेगा जी, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फंडामेंटल इक्वेशन है वर्क की, और फोर्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट कर रहा है। क्या सारे का सारा वेट कर रहा है? नहीं जी, वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट की नुमाइंदगी कर रहा है ये वाला फैक्टर, कौन सा, W कॉज ऑफ थीटा इन टू डी। अच्छा, अब डी क्या है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है। अच्छा, वेट डी कॉज ऑफ थीटा। अगर आप लोग देखें गौर करें तो ये सारे का सारा पोर्शन डी कॉज थीटा क्या बनता है, कहता है जी इस सारे के सारे डिस्टेंस का
इस सारे डिस्टेंस का अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट लूं, क्योंकि ये भी थीटा है और थीटा के एडजेसेंट साइड क्या कहलाती है, कॉस कंपोनेंट होता है, और इसका नाम हमने रखा हुआ है डी वन। तो मैं आपकी इजाजत से डी कॉस ऑफ थीटा को लिख सकता हूं डी वन, ठीक है जी। आगे चलते हैं, कहता है कि वापस आते हुए जो एनर्जी हमें मिली, माइनस साइन का मतलब है एनर्जी खर्च हो गई, एनर्जी लग गई कितनी, डब्ल्यू डी वन, और वापस आते हुए उतनी एनर्जी मिली डब्ल्यू डी वन। दिस इज पॉजिटिव एंड दैट इज नेगेटिव। तो बात वही हो गई कि अगर आपने एनर्जी लगाई तो वर्क होगा, और अगर वापस एनर्जी चाहिए तो आप क्या करें, उसको उलट दें तो आपका वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होके आ जाएगा। बस लास्ट बात और दुआ, क्या कहता जी कि आप एक चीज ये कंसिडर करें कि टोटल पाथ में कितनी एनर्जी बनी है। तो आप कहेंगे सर इन टोटल एनर्जीज को सम कर दें, ऐड कर दें, तो आपको यह पता लग जाएगा कि टोटल एनर्जी कितनी लगी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, प्लीज इसको बहुत गौर से देखना है आप लोगों ने। W यानी वर्क डन टोटल इज इक्वल्स टू व्हाट, मैं लिख रहा हूं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, प्लीज, वर्क डन फ्रॉम A टू B प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू C प्लस वर्क डन फ्रॉम C टू A। और हमें पता है कि A से B तक हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ था, B से C जाते हुए हमें कितनी एनर्जी मिली थी, माइनस W D वन। अब C से A आते हुए यानी वापस इनिशियल पॉइंट पे आते हुए कितनी एनर्जी मिली, प्लस W D वन, टोटल ऐड करें, टोटल इज जीरो। अच्छा क्या जीरो, क्या किलो लीटर मीटर, क्या चीज जीरो जाउल। तो यह भी ख्याल करना आपने कि फिजिक्स के अंदर जीरो नहीं है, आपने क्वांटिटी जो भी लिखनी है उसका यूनिट लिखना है आपने, और ये इट कैरीज वेट, जीरो डजेंट बट दिस जाउल कैरीज वेट, एंड इट मेक्स सेंस कि जीरो जाउल एनर्जी मिली आपको। तो यहां से एक चीज मैं ये कंसिडर कर सकता हूं, और यही काम की बात है, यही बुनियादी बात है, क्या कि अगर हम एक क्लोज पाथ में, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हम किसी भी क्लोज पाथ में अगर चलें तो एनर्जी या वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। क्या खाली रेक्टेंगुलर पाथ क्लोज पाथ है, नहीं जी, कहता है आप सर्कल में चलें, सर्कल नहीं पसंद कोई बात नहीं, स्क्वायर में चलो, इररेगुलर चलो, ये लो, वापस उसी पॉइंट में आ गए अगर, तो कह रहा जी कि कोई एनर्जी नहीं लगेगी। आपकी एक कंफ्यूजन और बस लास्ट बात, कि कंफ्यूजन क्या है कि हाउ कम के हम चलते भी रहे और एनर्जी भी ना लगे, कि क्या मैं घर जाऊं, घर से बाहर जाऊं, फिर टोर के वापस घर आऊं और कोई एनर्जी ना लगे। तो आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं भाई, हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की, कि मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहा हूं कि अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर चलूं और क्लोज पाथ में चलूं, क्लोज पाथ में देखिए, अब मैं ये अपना हाथ घुमा रहा हूं, ये हाथ घुमा रहा हूं, और अगर मैं सर्कल में घुमा रहा हूं क्योंकि मैं अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा हूं, ऊपर जाके वापस आ रहा हूं, कह रहा जी कि कोई एनर्जी नहीं लगी, कोई एनर्जी नहीं लगी। बस दो मिसालें और लेक्चर खत्म।
अच्छा जी, आपने ये भी जेहन में रखना है कि अगर आप ये एग्जाम्पल समझेंगे पढ़ेंगे तो आपके सारे ये थ्योरी जो है मैथमेटिकल जो है ये आपकी बुक के अंदर भी लिखी हुई, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी जैसे कहते हैं ना कमाल नहीं है, कमाल ये है कि अब जो बात होने जा रही है अगर वो समझ गए तो बेड़ा पार है। फॉर एग्जाम्पल, आपने शुरू बचपन दिन से पढ़ा है कि जी न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन जो है वो मारे मारे फिर रहे हैं। शायद लफ्ज मारे मारे गलत है, बार फिर रहे हैं, इतना मुझे भी कन्फर्म है। अब आप ये सोचें कि या सोचें या आप किसी से भी क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि सर यहां से चल के यहां तक और यहां से चल के यहां तक इलेक्ट्रॉन सदियों से चल रहा है तो कोई वर्क कर रहा है या वो एनर्जी का एक्सपेंस कर रहा है, खर्चा कर रहा है कोई? तो यहां पे आके ये बात वैलिड है क्या कि जब भी कभी ग्रेविटेशनल फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट चले और सेम पाथ पे चले तो करण जी के क्योंकि ये क्लोज पाथ है सो वर्क डन इज जीरो, या सादे लफ्जों में कहूं कि एक्सपेंस ऑफ एनर्जी इज जीरो, यानी एनर्जी का खर्चा जीरो है लिहाजा कुछ भी नहीं होगा, यानी ये सदियों तक चलता रहेगा। हाँ, एनर्जी का खर्चा होगा अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करे एक पॉइंट से, यानी एक शैल से दूसरे शैल में जाए, और यही बोहर ने कहा था, यही बोहर ने कहा था क्या कि जब भी कभी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे शैल में जंप करेगा तो एनर्जी का खर्चा होगा, अदरवाइज एक शैल के अंदर कभी भी खर्चा नहीं होगा। आगे चलते हैं, एक और मिसाल इसी चीज की, आपकी मदरलैंड अर्थ कह रहा जी कि इसके आसपास चांद घूम रहा है, पता नहीं कब से घूम रहा है, मैं बहुत छोटा था जब से घूम रहा है। तो कह रहा जी चांद कितना खर्चा कर रहा है घूमने पे? तो यहां से भी हमें पता लग गया कि अगर वो सर्कल में मूव करे, यहां पे कौन सी फील्ड थी? इलेक्ट्रिक फील्ड थी। यहां पे कौन सी फील्ड है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। अच्छा, और याद रखो कि ग्रेविटेशनल फील्ड खाली अर्थ की नहीं होती, सूरज की भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी सूरज भी ग्रेविटी रखता है, चांद भी अपनी रखता है, कायनात का हर हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट रखता है, फील हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट अपनी ग्रेविटी रखता है। यहां पर आते हैं, क्या चांद कोई खर्चा कर रहा है? यानी चांद को घूमने में कोई एनर्जी लग रही है? अगर तो लग रही हुई तो फिर हमने ये जो सारी बातें की हैं वो गलत है, लेकिन नहीं लग रही, चांद को एनर्जी नहीं लग रही, और यही वजह है कि चांद अभी तक अपनी जगह पे बरकरार है। और खाली चांद नहीं, सितारे, सूरज, गैलेक्सीज, आपका प्लैनेटरी सिस्टम जो सोलर सिस्टम जो है वो सारे का सारा इसी फिनोमेना पे काम कर रहा है कि वो घूमते जा रहे हैं और उनको एनर्जी नहीं लग रही। चांद तो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है और हमारी मेमोरीज पैदाइश से भी पहले की बात है, लेकिन सैटेलाइट तो मैंने खुद भेजा है, सैटेलाइट तो मैंने खुद भेजा है, क्या सैटेलाइट भी काम कर रहा है? नहीं। तो जो आपके जेहन में कंफ्यूजन ये है कि जी सारा एनर्जी लगती है, वो एनर्जी इसको यहां से उठा के यहां तक ले जाने में तो लगती है, यानी इसको मैं एक अगर यहां से उठाऊं और कहूं जी कि एक हाइट पे ले जाओ तो एनर्जी लगेगी, क्यों? मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा हूं, लेकिन यहां पे अगर सर्कल में मूव करूंगा तो कोई भी एनर्जी नहीं लगेगी। तो ये मोटी बात है बेटा जी जो आपने इसको समझनी है। बस लास्ट लाइन क्या कि हर वो टाइप ऑफ फील्ड जिसके अंदर काम करते हुए, जिसके अंदर मूव करते हुए, जिसके अंदर ट्रैवल करते हुए आपको एनर्जी का एक्सपेंस ना करना पड़े या आपका खर्चा ना हो या वर्क डन जीरो, तीनों बातें एक ही है। तो और या इसके केस में देखो, इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन घूमता जा रहा है, सदियों से घूम रहा है, लेकिन उसका कोई भी खर्चा नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए या ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाए या मैग्नेटिक फील्ड भी, आप लोग जब बड़े होंगे दूध के दांत गिरेंगे तो फिर आप पढ़ेंगे क्या कि मैग्नेटिक फील्ड भी
एक टाइप ऑफ फील्ड है और उसका हमने नाम रखा हुआ है कंजर्वेटिव फील्ड। बस जी आखिरी बात, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्व का मतलब होता है बरकरार रखने वाला, रिटेन रखने वाला, चीजों को संभाल के रखने वाला। तो आपने देखा है कि एनर्जी को संभाल रहा है, एनर्जी जाया नहीं हो रही, खर्चा नहीं हो रहा, सो कंजर्वेटिव फील्ड है। कौन कौन सी कंजर्वेटिव फील्ड है जी, मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों क्या हैं जी, कंजर्वेटिव फील्ड है, यानी आप इनके अगेंस्ट ना जाएं तो ये आपको नहीं छेड़ेंगे, यानी आपकी एनर्जी का खर्चा नहीं होगा इन तीनों के अगेंस्ट। हाँ, कुछ फोर्सेस हैं जिनके अगेंस्ट आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्सेस या फ्रिक्शनल फील्ड, एंड इसी तरह आपकी बुक में है, आपने वो देखनी है बाकी चीज़ें। ठीक हो गया, तो दैट्स ऑल जी, आज का ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। और आज हमने दो मेन बातें पढ़ी, क्या कि वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ के दो नाम है, वर्क और एनर्जी आपस में दोनों सगे नहीं तो बहन भाई ज़रूर हैं। और दूसरे ये हमने पढ़ा कि जब भी कभी एक क्लोज पाथ में हम ट्रैवल करेंगे और वो फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड हुई तो हमारा कोई भी खर्चा नहीं होगा। और तीन टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड्स हमने पढ़ी, और दैट्स ऑल जी, आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।